चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन को बड़ा आरोप लगाया, माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, रिपोर्ट में ये सामने आया। साथ ही बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा है। साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ है पैसा, और साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा है कि दस्तावेजों के आधार पर आरोप का दावा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में कई बड़े दावे किए गए हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें सेबी चेयरपर्सन पर बड़ा आरोप लगा है, माधवी बुच और उनके पति का डानी ग्रुप से कनेक्शन है, रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा भी है। साथ ही साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ है पैसा, इस बात का जिक्र रिपोर्ट में है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च में यह दावा किया गया है कि माधवी बुच ने ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। माधवी बुच का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा है, साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ है पैसा, ये जिक्र इस पूरे रिपोर्ट में किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च में ये बड़े दावे, सेबी चेयरपर्सन पर आरोप क्या लग रहे हैं जरा आप ये भी समझ लीजिए। माधवी बुच के निष्पक्षता पर सवाल, अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में भूमिक संदिग्ध है, अडानी ग्रुप की एक कंपनी में हिस्सेदारी है, ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो सेबी चीफ माधवी बुच की सफाई भी अब इस मामले में सामने आई है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरे बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की भी इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, बड़ी खबर आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का बयान सामने आया है। हम सभी आरोप खारिज करते हैं, अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है। साथ ही अडानी ग्रुप ने कहा कि हम पर लगाए गए तमाम आरोप जो है वो गलत है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का ये बड़ा बयान। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रही है। ये जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इतने कथाकथित तथ्य सार्वजनिक हुए हैं तो जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कायम रखने के लिए, काबिज रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया, खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि जब जब संसद का सत्र चलता है तब कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं। सीमा पार से विपक्षी नेताओं के तार जुड़े हैं, विपक्षी दल भारत में अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार